दोस्तों तस्वीर में नजर आने वाला ये फीना सा लड़का आपको एक आम चीनी बाशिंदा लग रहा होगा, मगर दरअसल ये मशहूर ऐप टिकटॉक का बानी जांग यी मिंग है। आपको ज्यादा हैरत ये जानकर होगी कि जांग इस वक्त सिर्फ 38 साल का है और इसका शुमार दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होता है। ये सादा सा दिखने वाला लड़का 44.5 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 6,88,770 करोड़ रुपए बन जाते हैं। जांग की जिंदगी हमेशा इतनी आसान, ग्लैमरस और जबरदस्त नहीं थी। हर मेहनती और सेल्फ मेड आदमी की तरह इसने भी अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव और बहुत सी नाकामियां देखी हैं, मगर ना तो हिम्मत हारी और ना ही अपना काम छोड़ा। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको मशहूर मोबाइल ऐप टिकटॉक बनाने वाले चीनी लड़के जांग यी मिंग के बारे में कुछ जबरदस्त हकायक बताने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा नहीं है तो वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके हमारे दोस्त जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जांग 10 अप्रैल 1983 को चीन के एक शहर लोंगयान में पैदा हुए। इनके वालिदैन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। 1980 और 1990 की दिहाई में जांग के वालिद एक गवर्नमेंट वर्कर थे। ये वो वक्त था जब चीन बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में तरक्की करना शुरू हो चुका था। जांग के वालिद भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में मुलाजिम थे, जहां छोटी उम्र में जांग को तरह तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज रोज रोज देखने को मिलती थी। जांग ने छोटी उम्र में ही इंटरनेट और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट दिखाया, जिसे इसके वालिदैन ने भी वेलकम किया। आप ये इस बच्चे की खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि इसने ऐसे घर में आंख खुली जहां सुबह नाश्ते की टेबल पर ये डिस्कस होता था कि कौन सी कंपनी आजकल कौन सी नई चीज बनाने में लगी हुई है। इस तरह जांग को घर में एक ऐसा माहौल मिला जहां इसके अंदर का साइंसदान भी जिंदा रहा और साथ ही साथ बिजनेस के गुर भी वो सीखने लगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जांग ने बेशक आज के दौर की सबसे मशहूर इंटरनेट ऐप टिकटॉक बनाई है, मगर स्कूल के जमाने में इसका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। मगर स्कूल के दिनों में ये भाई साहब लैब में कोई तजुर्बा करने में लगे हुए थे, जहां मामलात हाथ से बाहर हो गए और ऐसा खौफनाक धमाका हुआ कि पूरी लैब ही तबाह हो गई। इसके बाद इसे ना चाहते हुए भी अपने दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट इंटरनेट की तरफ आना पड़ा। 2001 में जांग ने चीन की मशहूर नानकाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2005 में जांग ने इस यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इस यूनिवर्सिटी में इसकी मुलाकात अपनी मुस्तकबिल की बीवी से भी हुई। यूनिवर्सिटी में जांग एक अच्छा स्टूडेंट तो था ही, मगर ये किसी का ना तो दोस्त बना और सबसे अलग थलग रहता था, जिसकी वजह से सब यही समझते थे कि ये शायद दूसरों को अपने से कमतर समझता है। अब आकर पता चला है कि जांग सारी उम्र सोशल एंग्जाइटी की बीमारी का शिकार रहा है, जिसमें इंसान ना तो ज्यादा रश वाली जगहों पर जाना पसंद करता है और ना ही दूसरों से ज्यादा बातचीत करना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस लड़के की जिंदगी में कुछ भी सिंपल या सीधा नहीं था। इसकी जिंदगी का वाहिद प्यार और इसकी बीवी भी इसे पूरे ड्रामेटिक अंदाज में मिली। जांग अपने कंप्यूटर स्किल्स की वजह से सारी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। एक रात इसे एक लड़की का मैसेज आया कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है और सब कहते हैं कि तुम इसे ठीक कर सकते हो, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हूँ। जांग कंप्यूटर ठीक करने गया और इसे दिल दे बैठा। लोगों के मुताबिक ये दोनों पहले ही दिन से एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान चुके थे और इस सिलसिले में इन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि दुनिया इनके बारे में क्या सोचेगी या क्या कहेगी। इन दोनों ने एक दिन दो अंगूठियां लाकर एक दूसरे को पहना दी और ऐसे खामोशी से शादी की जिसमें इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये दोनों बाकी दुनिया से बहुत अलग हैं। जहां बाकी दुनिया रोमांटिक डेट पर या तो कोई डिनर करने जाती है या फिर लोग सिनेमा जाकर कोई अच्छी फिल्म देखते हैं, वहीं ये दोनों लव बर्ड अपनी डेट पर आईपैड पर बैठकर चेस की गेम खेलते हैं। वाकई ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों 2005 में जांग और इसकी बीवी अपना शहर छोड़कर बीजिंग चली आई, जो कि ना सिर्फ चीन का दारुल हुकूमत यानी के कैपिटल है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में भी सारे चीन को लीड करता है। बीजिंग पहुंचते ही जांग को एक पुराने दोस्त ने कॉन्टेक्ट किया, जो कि एक इंटरनेट कंपनी बना रहा था और चाहता था कि जांग भी इसमें शामिल हो जाए। जांग ने हामी तो भर ली, मगर ये स्टार्टअप पहले ही साल फेल हो गया। इसके बाद 2006 के आगाज में जांग ने एक और नई कंपनी को ज्वाइन किया। इस कंपनी का नाम था Coxon.com और जांग इस कंपनी का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। Coxon चीन की पहली ट्रैवल से रिलेटेड मोबाइल ऐप थी, जिससे आप घर बैठे पूरे चीन में कहीं भी होटल बुक कर सकते थे। ये बिजनेस बहुत जबरदस्त रहा और आगे चलकर टूरिज्म इंडस्ट्री के एक जाइंट ट्रिप एडवाइजर ने इसे खरीद लिया। फैक्ट नंबर 5, 2008 में जांग के पास अच्छा पैसा भी आ चुका था और अब ये खुद से कुछ बड़ा करना चाहता था, मगर इससे पहले इसे ये समझना था कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनियां कैसे अपना बिजनेस हैंडल करती हैं। 2008 में जांग अमेरिका आ गया और दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में मुलाजमत इख्तियार कर ली। एक साल माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद जांग बहुत कुछ समझ चुका था, इसलिए इसने एक साल बाद ही माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी और
और अपना पहला बिजनेस 99fang.com शुरू किया। ये एक रियल एस्टेट की मोबाइल ऐप थी जिससे आप घर खरीद या बेच सकते थे। जांग का ये बिजनेस काफी अच्छा रहा और 2 साल में ही 99fang चीन की नंबर 1 रियल एस्टेट मोबाइल ऐप बन गई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों सन 2012 तक जांग चीन में काफी मशहूर हो चुका था। लोग इसे इसके नाम से जानते थे, मगर इसे अभी भी ये चीज तंग करती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मतलब कि ऐसी चीज बनानी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को जाके टक्कर दे सके। 2012 में जांग ने 99fang के सीईओ की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और एक नई कंपनी ByteDance के नाम से बनाई। जांग ने अपनी नई कंपनी के लिए कोई नया ऑफिस नहीं बल्कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट रेंट पर लिया। इसका आइडिया यही था कि यहीं पर काम करना है और यहीं रहना है, मतलब कि अपने काम को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना है। इस फ्लैट में 2 कमरे स्टाफ के काम करने के लिए थे, एक कॉन्फ्रेंस रूम था, एक फाइनेंस रूम था और साथ ही साथ एक किचन भी था जहां जांग अपने वर्कर्स के लिए खुद घर वाला खाना बनाकर दिया करता था। इसने अपने वर्कर्स को पहले ही दिन ये बता दिया था कि मेरा ऑफिस बेशक छोटा है मगर मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है। जांग को अब अच्छे इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। इसने 30 दिनों में 30 इन्वेस्टर्स से मुलाकात की और इन्हें अपना बिजनेस आइडिया पेश किया, मगर इन सब ने इसे ठुकरा दिया। आखिरकार इसे एक इन्वेस्टर मिला, बल्कि मिली चीन की एक बड़ी कंपनी सिग की डायरेक्टर और एक जबरदस्त बिजनेस वुमन वांग यिंग ने जांग के आइडिया में दम देखा और इसके साथ $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर ली। इसी औरत के मनाने पर चीन के इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक ने भी जांग को लोन दिया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इन्वेस्टमेंट हाथ में आने के बाद जांग को खुलकर खेलने का मौका मिला और इसके बाद इसने एक के बाद एक जबरदस्त मोबाइल ऐप देना शुरू कर दी। ByteDance कंपनी की पहली ऐप नी यांग डोंजी थी जो कि 2012 में लॉन्च की गई। ये इंटरनेट मीम्स और दूसरे जोक्स की एक ऐप थी। चीन की नौजवान नस्ल ने इसे दिल खोलकर वेलकम किया और पहले ही साल इस ऐप के 200 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। चीन की गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि नौजवान नस्ल बस हंसी मजाक में ही लगे रहते हैं तो उन्होंने ये मोबाइल ऐप बंद कर दी। इसके खिलाफ हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पे निकल आए। जांग की कंपनी ByteDance ने अपनी दूसरी कामयाब ऐप टोटियो बनाई। ये न्यूज के बारे में बनाई गई एक ऐप थी क्योंकि आजकल लोगों के पास टीवी पर खबरें देखने का वक्त नहीं होता, इसलिए ये ऐप लोगों को सिर्फ इनके इंटरेस्ट से मिलती जुलती खबरें ही भेजती थी। आज इस एप्लीकेशन के भी चीन में 300 मिलियन से ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं। मगर दोस्तों जांग को जिंदगी की जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली वो थी टिकटॉक। इस मोबाइल ऐप को किसी किस्म के तारुफ की जरूरत नहीं और टिकटॉक का जुनून अब सारी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा है। टिकटॉक पर ज्यादातर वीडियोस 3 से 15 सेकंड की होती हैं। ये ऐप इस वक्त दुनिया के 155 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। दुनिया भर में इस वक्त 2 बिलियन से ज्यादा टिकटॉक यूजर्स मौजूद हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ने इसे बैन करने की भी कोशिश की, मगर ये इस हद तक लोगों के दिलों में घर कर चुकी है कि अब इसे बंद करने का ऑप्शन खत्म हो गया है। जो लोग टिकटॉक से ज्यादा शोहरत पा चुके हैं वो अब इसे कैश करके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आज 2021 में जांग सिर्फ 38 साल का है। इसी साल ये अपनी कंपनी से रिटायरमेंट भी ले रहा है। इसकी नेटवर्क $44.5 बिलियन है और अब ये बाकी की जिंदगी दुनिया घूमने और एंजॉय करने में गुजारना चाहता है। दोस्तों जांग की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आप हिम्मत और मेहनत से चंद साल कोशिश करें तो वो सब हासिल कर सकते हैं कि जो दूसरे लोग 100 साल में भी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप किसी और मशहूर आदमी के बारे में भी ऐसी ही फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इसने आपको इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी शेयर जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।